गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये ब्लॉग सुबह ही मिलेगा। सो एक्चुअली गुड इवनिंग है, अभी बजा है 7। हम लोग घूम के आके अभी वो जा रहे हैं ऊपर टू ऑब्वियसली MG मार्ग, गैंगटॉक का MG मार्ग सब जगह दिखता है ना भाई फोटो वोटो में। अभी हम लोग रुके हुए थोड़ा, बहुत भीड़ लगा हुआ है, बाकी दी और जीजू पीछे पड़ गए इसलिए हम रुके हुए। पहले ये लोग आगे निकले, जो निकल गए लोग आगे, अभी हम लोग भी चलते पीछे पीछे। रियल लेडी घास ना, हम लोग को कुछ पता नहीं है, खो गई तो बस मजाक कर रहा हूँ। ये लोग आगे चलते हैं, हम लोग पीछे पीछे आएंगे। हम लोग का होटल तो नीचे है। सो आप लोग जो इधर राइट लेफ्ट देख रहे हैं ना, ये तो सलून है जो भी है, बाकी सब मार्केट है। जो कम दाम में आपको स्वेटर वेटर मिलता है ना इधर का लोकल, जो इधर ही बनता है सब इधर ही मिलता है। ये नीचे जो रास्ता है, ऊपर आएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। बस जो मेन MG मार्ग है उधर प्राइस हाई है, और ऊपर ज़्यादातर रेस्टोरेंट है, इतना मतलब वो नहीं है पर प्राइस हाई है। अगर आप नीचे से लेंगे जो सीरीवल रास्ता था तो इधर आपको कम प्राइस में मिलेगा। ये देखिए ये सारा होटल दिख रहा है ना आपको, इस सब का रेंट पर डे, हम लोग का होटल का पर डे है 2000, दे लोगों का पर डे है 5000, और इन लोगों का ये सब जो दिख रहा है ना आपको, इनका सब 10,000-12,000 तक रेट है, या उसके ज़्यादा भी है, एक दो में से ज़्यादा भी है। और इधर एक चीज़ है कि आप मास्क नहीं खोल पाएंगे। सो मैंने पूरा वीडियो मास्क लगा के किया इधर, मास्क खोलने पर इधर फाइन है 1000 रुपीज़ का, और वन डे आपको पुलिस थाने में रहना पड़ेगा। सो मुझे अभी मेरा टोल ख़राब नहीं करना है, वापस घर भी जाना है, मास्क पहन के कर रहा हूँ। तो ये है मेन MG मार्ग। अरे भाई हट जाओ, फोटोशूट में मेरा कैमरा मत उठाओ, उठाओ फोटो उठाओ। और ये देखो, देखिए गांधी का स्टेचू, महात्मा गांधी रोड, ऑब्वियसली MG मार्ग, मार्ग मतलब रोड इंग्लिश में, सबको पता ही है, पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, सब लोग इधर बैठे, अच्छा बना है बस, मतलब इधर स्नो गिरता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उधर जो स्नो गिरा था जब हम लोग नथुला पास गए थे, इधर स्नो नहीं गिरा, तो इधर गिरता है कि नहीं मुझे नहीं पता। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 300 मीटर्स तक होगा स्ट्रेट, और पीछे की तरफ मैं गया नहीं, इधर तक 300 मीटर और पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, जाने के बाद देखना पड़ेगा मुझे। और ऐसा नहीं है कि इधर ठंड का कोई डिफरेंस है, ठंड वैसा ही है फुल पूरा पूरी। देखिए ये सब शॉप जो है ना, इसमें आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, हाँ कम मिलेगा हम लोग के इधर का मतलब रेट से, पर नीचे का सीरियो से ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब मेन रोड का वो है ना इसलिए। ये देखिए दुकान ऑलमोस्ट बंद हो रहा है, ये सब मतलब खुलते हैं दुकान, फिर रात को वापस बंद करके निकल जाते हैं। ये देखो ये तो ड्रिल चल रहा है, ये बन रहा है दुकान। अरे यार हम जा रहे हैं इवनिंग का खाना खाने, क्या बोलते हैं स्नैक्स, तो मिलता है इधर, क्या मिलता मुझे नहीं पता, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। इसको देखो इन लोगों को ठंड नहीं लगता, इन लोगों को स्टाइल में घूमना है, हम लोगों को लगता है भाई। अभी मोमो खाने आए, कितना ऊपर है मुझे नहीं पता, देखते तो ये उठने गए तो फट जाएगी सर, नो चांस कैंसिल। अरे भैया शायद इधर मिलेगा रोल हाउस पे मोमो, इधर मिल गए तो नहीं तो चलेंगे। इसको इसका फोन आ गया घर से, बात कर तू, और रोल हाउस का वो है इधर, रोल हाउस में अगर मोमो मिलता है तो खाएंगे, नहीं तो बाय बाय। तो जैसे कि मैंने बताया था मोमो का कि हम लोग का हो गया खत्म, मतलब हम लोग का नहीं एक ही प्लेट लिया था, और उसमें से भाई मैंने और जीजू ने खाया, दीदी ने नहीं खाया, वेज मोमो था। पता नहीं इधर चिकन मोमो मिलता है भी कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पूछा था, उन लोगों ने बोला सिर्फ खाली वेज ही है रोल हाउस में, तो मोमो शायद वेज है, बाकी सब चिकन का होगा, पता नहीं क्या है। आगे हम ढूंढ रहे कुछ और खाना,
पता नहीं इधर नॉनवेज मिलता भी है कि नहीं, नीचे नीचे मिलता है वो गली गली में, पर इस स्ट्रीट में ऊपर तो पता नहीं बस। इसने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया, इसकी तो मोटे। आप कुछ सेकंड इधर का व्यू एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ा म्यूजिक लगा देता हूँ। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know. तो खाना ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए इस बेकरी में, सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा है यार इन लोगों का डेकोरेशन वेकोरेशन बहुत कुछ अच्छा है, देखिए ना एंट्री डेकोरेशन तो इस तो अच्छा बना है, और मेन चीज़ बहुत साफ है, एकदम गंदा नहीं है कि रेस्टोरेंट बना लिया लोग आ गए एक बार फेमस हो गए तो उसके बाद लोग ऐसे भी आएंगे वैसे भी आएंगे ऐसा नहीं। हाँ ऑब्वियसली क्रिसमस के लिए थोड़ा ज़्यादा साफ है, पर ऐसा नहीं है मतलब थोड़ा ज़्यादा डेकोरेशन किया है, थोड़ा ज़्यादा साफ नहीं बोल रहा हूँ, डेकोरेशन ज़्यादा किया हुआ है, बट इट डजेंट मीन दैट वी कैन जज देयर क्लीनलीनेस, देयर क्लीन बॉस। अच्छा है, फ्रेश खाना भी शायद फ्रेश होम मिलेगा जैसा फ्रेश दिख रहा है। तो इधर हो गया हम लोग का पोपट, हम लोगों ने सोचा था बेकरी अच्छा है दिख रहा है, डेकोरेशन अच्छा किया हुआ है तो खाना भी अच्छा मिलेगा। भाई खाना तो ठीक ठाक मतलब सोच सोच चलता है, अगर कुछ मिलेगा नहीं तो आपको खाना ही पड़ेगा ना। और मेन चीज़ है उनका उन लोगों का डिलीवरी बहुत देर से करते हैं वो लोग, इतना कस्टमर नहीं है इतना मतलब होना चाहिए क्रिसमस में, इतने कस्टमर नहीं है इधर, फिर भी डिलीवरी इतना स्लो है मतलब इतना स्लो, बहुत ही स्लो, बार बार तीन चार बार बोलने के बाद ठंडा चीज़ लेके आए ये लोग, तो मतलब दे मेड इट, बनाना पहले से हो गया, ये लोग लाया नहीं ठंडा लेके आए, तो दैट इज बैड बैड सर्विस, इज वेरी बैड फूड, गर्म आया नहीं तो कुछ बता नहीं पाऊंगा। सो अभी कुछ खरीद लेते हैं घर के लिए, देखते क्या मिलता है। 5 डिग्री सेल्सियस है इधर, आज साथ जम रहा है, ब्लॉगिंग नहीं होगा, मोबाइल हाथ में पकड़ा है, स्टैंड नहीं लाया मैंने, घर पे फेंक के स्टैंड, और हाथ में रख के जिस एंगल में हाथ रख रहा हूँ उसी एंगल में हाथ उग जा रहा है, तो इसलिए खाली आगे का व्यू देखिए थोड़ा थोड़ा करके। और अभी हम जा रहे हैं गिफ्ट शॉप घर पे जीतने के लिए, तो मैंने दीक और भाई को बता दिया कि लाना है, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझ में आता नहीं है, आई एम सीइंग आउटसाइड। सो मैंने बताया था आपको पीछे का और एक साइड है बैक साइड जिस तरफ हम आया नहीं थे, तो ये बैक साइड एरिया है, देखिए सब बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट और होटल इसी तरफ है, सो ये सब बहुत ही कॉस्टली है, आई कान एक्सपेक्ट द प्राइस, मतलब मैंने पूछा था पर डे यार गोइंग, अब सीजन टाइम हुआ तो 15-16K पर डे, और अगर ऑफ हुआ तो 5-6K ₹10,000 का डिफरेंस होता है सीजन टाइम में, ऐसा भी क्या देते हैं यार, भिट्टे भी तो खाली ऑन होता है क्या, और पानी गर्म पानी वो तो हमेशा देता है शादी को, जो भी है रास्ता मजा है भाई, देखो लेफ्ट में रिचेक हम बाहर ही बोल रहे हैं इसी वाली रिचेक को जाने बता रहा हूँ, रिचेक वो लाइट्स है, अरे यार दारू कैट आ गया, हटो हटो हटो, अरे दारू का नहीं 3 पट्टी का ऐड है, जो भी है मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सब आ गया वीडियो करने के टाइम पे, आई एम नॉट प्रमोटिंग माय सेल्फ, आई एम जस्ट प्रमोटिंग माय सेल्फ, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फैमिली ब्लॉग है, इंजॉय कर पाएंगे।
हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, आगे वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू रहेगा और ब्लॉग्स बाकी है, कल हम लोग को जाना है कहीं और, अभी नहीं बताएंगे, अभी से सिक्किम में है तो सिक्किम में कहीं भी घूमेंगे। पूरा पैक हो गया है, इतना ठंड है इधर, पर किस लो मारे के लिए इतना ठंड है इधर ना, सब लोग पैक है, देखो ये खाली पत्थर खुला बहुत है, ये जो भी पैक इधर भी पैक, सब लोग पैक है इधर, पूरा पैक है हम लोग इधर, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, पता नहीं जब जहाँ पे बैठा हूँ ना उधर वो चीज बहुत ठंड है, फील का है मतलब क्या बताऊँ कितना ठंड है। और मास्क खुलने पकड़ रहे, इधर पुलिस खड़ा है पीछे, देखिए ये पुलिस है, तो अगर आप मास्क खोलते तो ये लोग पकड़ेंगे आपको। अभी तो आपने वीडियो में देखा हो कि मैंने 2 मिनट के लिए, करीब 2 सेकंड के लिए करीब मास्क उतार था नीचे, देख लिया उससे मैंने उठा दिया मास्क, बच गया मैं, जो भी हो। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं होटल, जाने के रास्ते में घर पे किसी की सबके लिए स्वेटर ले लेंगे, क्योंकि तो कम दम में मिल गया स्वेटर वेटर, गर्मी कितना ठंडा कितना रुक गया ये मेरे को नहीं पता, पर कम प्राइस में से चीज़ मिल जाए तो सही, लिस्ट से इधर हमेशा सही नहीं रहता है, लेना तो पड़ेगा। बस मैं जाने के टाइम पे दुकान देख के गया था, दुकान मिल नहीं रहा है, अब एक आ गया दुकान, अभी बज भी गया है 9 के बाद इधर सब बंद हो जाता है, मतलब ऑन द प्रोसेस देखिए दुकान राइज में बंद है, ऑन प्रोसेस कुछ बंद हो रहा है अभी, 8 मतलब 9 नहीं सॉरी 8:50-8:55 ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है, बच चुका है भाई दुकान, अभी भाई दुकान मिल जाए यार। हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, तो अभी हम लोग को डिनर करना है, डिनर करने के बाद जाके सो जाएंगे अभी, क्योंकि कल सुबह 8:30 को उठना है हम लोगों को। अभी हम लोग होटल पे नहीं आए, जहाँ पे दीदी और जीजू रुके हैं उधर आए, इधर खा के फिर हम लोग उधर जाएंगे। हम लोग भी सर्व जैसे जैसे दाल चावल और पापड़ खा रहे हैं, देखिए इंस्पायर्ड। चलो गुड नाइट, बढ़िया बना। घूम के कैसा लगा? मस्त लगा। कल कितना बजे उठना है? कल 5 बजे। 5 बजे तो उठ पाएगा तुम? अब 8:30 को निकलना है, 6 बजे उठने से होगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट। तो ब्लॉग हम इधर ही खत्म कर रहे हैं, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीछे बाय वीडियो कर रहा है। कैसा लगा तुमको घूम के कैसा लगा? अबे मुंह क्या छुपा रहा है, मुंह आ गया तेरा एक बार उसमें।